हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर आज के वीडियो को टाइटल तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा एंड तुम लोगों को मालूम चल गया होगा कि आज के वीडियो में यहाँ पर मैं कुछ हमें बोल सकता हूँ कुछ ज्यादा ही कार्ड्स को स्टार लेवल में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मेरे पास काफी ज्यादा स्टार पॉइंट्स है एंड अब तुम लोग ये मत पूछना कि इतने सारे पॉइंट्स मेरे पास कहाँ से आए, बिकॉज यहाँ पर मेरे को लिटरली खुद भी नहीं पता कि जो स्टार पॉइंट्स है वो मेरे पास अचानक से कहाँ से आ गए। बस मैंने यहाँ पर 3 महीनों के बाद गेम ओपन किया एंड जब मैंने गेम ओपन किया देन मैंने ये नोटिस किया कि मेरे पास इतने सारे स्टार पॉइंट्स है। अब जब मेरे पास यहाँ पर इतने सारे स्टार पॉइंट्स है ही तो क्यों ना यहाँ पर इनका यूज़ किया जाए कुछ कार्ड्स को अपग्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाते हैं अपने कार्ड वाले टैब में एंड चालू करते हैं यहाँ पर अपने कुछ कार्ड्स को स्टार लेवल में अपग्रेड करना। तो यहाँ पर जो लोग मेरी वीडियोस काफ़ी टाइम से देख रहे हैं उन लोग को ये मालूम होगा कि जो मेरा पहला कार्ड है वो कौन सा होने वाला है। तो यहाँ पर जो लोग सोच रहे हैं वॉल्करी, वो एकदम गलत सोच रहे हैं। तुम्हारा भाई यहाँ पर सबसे पहले अपग्रेड करेगा मेगा नाइट को, बिकॉज मेगा नाइट तुम्हारे भाई का फेवरेट कार्ड है। एंड पब्लिक एक बार जल्दी से कमेंट करके बताना आप लोग का फेवरेट कार्ड कौन सा है। तो यहाँ पर जो मेगा नाइट है इसका मैंने ऑलरेडी जो मतलब पहला लेवल है स्टार लेवल का वो मैंने कर चुका है। अब यहाँ पर हम लोग उसको लेवल 2 में कन्वर्ट करने वाले हैं। इसके लिए हमको अराउंड लगेगा 10,000 स्टार पॉइंट, जो कि बहुत कम है क्योंकि अपने पास मोर देन 1 लाख से ज़्यादा है। एंड यहाँ पर ये हो चुका है हमारे लेवल 2 में कन्वर्ट। अब यहाँ पर जो हमारे मेगा नाइट है ना काफ़ी गोल्डन गोल्डन दिखेगा, एक बार चेक कर लेते हैं आखिरकार ये दिखेगा कैसे। आ जा भाई मेगा नाइट, जल्दी से आ जा नीचे। एंड ये आ गया नीचे। ज़्यादा चेंजेस तो नहीं हुए बट ठीक ठाक है। अगर जो इसका पूरा हाथ है ना अगर वो भी चेंज हो जाता गोल्डन में तो ज़्यादा मज़ा आता। अब चलते बढ़ते हैं अपने सेकंड वाले कार्ड की तरफ। अब जो मेरे सेकंड कार्ड है ना वो है मतलब विन कंडीशन। अब तुम लोग समझ गए होगे कि वो होगा हॉग राइडर, बिकॉज हॉग राइडर तुम्हारा भाई को ज़्यादा यूज़ करता है। तो चलिए इसको करते हैं स्टार लेवल में अपग्रेड। ये हो गया सेकेंड स्टार लेवल एंड अगेन करते हैं इसको स्टार लेवल में कन्वर्ट। इस बार 20,000, ओ भाई कुछ ज़्यादा लग रहा है यार। बट चलो कोई ना यार, पूरा एरिना गोल्डन गोल्डन कर डालेंगे यहाँ पर सारे कार्ड को अपग्रेड करने के बाद। तो यहाँ पर ये यह हो चुका है हमारा थर्ड स्टार लेवल में अपग्रेड। अब यहाँ पर जो मेरा तीसरा कार्ड है ना वो मैं सोच रहा हूँ फायरबॉल करने के लिए, बट क्यों ना यहाँ पर गॉबलिन गैंग को किया जाए क्योंकि जो गॉबलिन गैंग है ना ये मैं कुछ ज़्यादा यूज़ करता हूँ स्पेशली एरिना में। तो यहाँ पर इसको हमने फर्स्ट वाला कर दिया। अब करते हैं सेकंड वाला 10,000 एंड फाइनली करते हैं यहाँ पर ये थर्ड वाला अपग्रेड। एंड ये तीसरा वाला भी अपग्रेड हो चुका है, क्या बात है। अभी टोटल अपने पास 1,22,000 स्टार पॉइंट्स बचे हैं, यानी कि अभी मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स को मतलब स्टार लेवल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्या बात है यार, मेरे पूरे डेक यहाँ पर स्टार लेवल में कन्वर्ट हो जाए तो मज़ा आ जाए। अब करते हैं यहाँ पर फायरबॉल को कन्वर्ट। वैसे यहाँ पर अगर मैं अपने पूरे डेक को ही ना स्टार लेवल में अपग्रेड कर दूंगा देन भाई पूरा एरिना ही गोल्डन गोल्डन हो जाएगा, बोल तो फुल मज़ा आने वाला है। यहाँ पर इसको भी हमने कर दिया स्टार लेवल में अपग्रेड। अब यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ जैप को नहीं करेंगे बिकॉज जैप में इतना मतलब कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ पर करते हैं ईविस्ट को यहाँ पर स्टार लेवल में अपग्रेड। ओके, तो यहाँ पर मैं एक बात ये नोटिस कर रहा हूँ कि ईविस्ट का ओनली एक ही स्टार लेवल है। मेरे को लगा था मतलब 2 स्टार लेवल होगा, बट चलो तब भी कोई ना। यहाँ पर करते हैं इन्फर्नो ड्रैगन को अपग्रेड एंड एक और बार करते हैं। टोटल 10,000 स्टार पॉइंट्स लग रहे हैं एंड यहाँ पर ये हो चुका हमारा इन्फर्नो ड्रैगन भी। लास्ट हमारा है वॉल्केरी। ओके, वॉल्केरी लास्ट नहीं है, लास्ट तो यहाँ पर हमारा जैप है एंड यहाँ पर कर देते हैं जैप को भी कन्वर्ट स्टार लेवल में। अब देखते हैं हमारे पास टोटल कितना बाकी। ओके, 72,000 है, यानी कि मैं यहाँ पर आराम से तीन से चार कार्ड को कन्वर्ट कर सकता हूँ, 4 कार्ड मतलब लेवल 1 में। बट कुछ भी बोलो यार, यहाँ पर फाइनली जो मेरा पूरा डेक है वो स्टार लेवल में कन्वर्ट हो चुका है। भाई क्या ही गोल्डन गोल्डन दिख रहा है यार, दिल फुल गोल्डन गोल्डन हो गया यार इसको देखने के बाद। अब यहाँ पर जो पूरा बैटल है ना उसको खेलने में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर अभी मेरे पास टोटल 72,000 और बचे हैं, तो क्यों ना यहाँ पर इनको भी यूज़ किया जाए एंड कुछ कार्ड को अपग्रेड किया जाए। अब यहाँ पर मैं सोच रहा था पेक्का को अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि जो पेक्का ना काफ़ी तबाही वाला कार्ड है एंड गोल्डन में तो और भी ज़्यादा तबाही लगता है। एंड अब जो मेरा दूसरा कार्ड है वो मैं सोच रहा था एरोज। अब देखो जो एरोज है ना एक बार इसको तीसरे वाले में देखते हैं कैसा लगता है। जो इसका तीसरा वाला अपग्रेड है भाई पूरा रेनबो वाला फीलिंग आ रहा है इसमें तो। बट मैं सोच रहा था फिर बैटल रैम को करने के लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसको अपग्रेड करें। 67,000 है, एक काम करते हैं स्केलेटन बैरल को करते हैं बिकॉज बैरल भी तुम्हारा भाई कुछ ज़्यादा यूज़ करता है। अब अपने पास अराउंड 62,000 बचे हैं, यानी कि इसको मैं थोड़ा बचा कर रखूँ कि अपग्रेड कर दूँ। एक काम करते हैं इसको भी यूज़ ही कर देते हैं, मतलब बचा कर रखने का क्या ही फ़ायदा है।
तो मैं सोच रहा था इसको एक ऐसे कार्ड के ऊपर डालने के लिए ना जो कि मैं लिटरली काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लाइक बहुत ज़्यादा। विज़ार्ड तो यहाँ पर मैं पहले यूज़ किया करता था, आज के टाइम पे विज़ार्ड वैसे मैं इतना यूज़ नहीं कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, एरोज़ को करते हैं, बिकॉज़ फुल रेनबो वाला अपने को फीलिंग आएगा। ऊपर से यहाँ पर एरोज़ ना मैं कुछ ज़्यादा यूज़ करता हूँ कभी कभार वॉर में, एंड यहाँ पर मेरे पास अराउंड 47,000 है 20,000, तो भाई अपना एरोज़ ही खा जाएगा। एंड ये कन्वर्ट हो चुका है हमारा लेवल 3 में, बाय पूरा रेनबो वाला फीलिंग आने वाला है हमको यहाँ पर। अब यहाँ पर अराउंड 27,000 है, यानी कि मैं दो कार्ड को इजीली अपग्रेड कर लूँगा। मे बी यहाँ पर हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं प्रिंसेस को, बट प्रिंसेस इतना मैं यूज़ नहीं करता। बैलून तो करे क्या, नहीं बैलून का भी इतना मेरे को काम पड़ नहीं रहा आजकल। एक काम करते हैं, इसको डालते हैं अपग्रेड में, बेबी ड्रैगन को। बेबी ड्रैगन फुल तबाही वाला कार्ड है, एंड यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर दिया बेबी ड्रैगन को स्टार लेवल 1 में। बस अभी अपने पास 22,000 स्टार लेवल है, इसको बचा कर रखते हैं भाई, क्या पता स्टार लेवल आगे चल के हमको काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। तो यहाँ पर फाइनली मैंने अपना जो डेक है इसको पूरी तरह से स्टार लेवल में अपग्रेड कर दिया है। अब एक काम करते हैं, इस डेक को लेकर चलते हैं सीधा बैटल में। बट बैटल में जाने से पहले क्यों ना ये वाले चेस्ट को ओपन कर ले यार। ओके, इसमें 2000 गोल्ड मिले हैं जो कि इतना बुरा नहीं है। वैसे यहाँ पर मैं अपना जो पहला लेवल 14 कार्ड है ना वो भी काफ़ी जल्द करने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर मेगा नाइट को सबसे पहले लेवल 14 में कन्वर्ट करने के लिए। वैसे एक बार पब्लिक कमेंट करके बताना अभी तक आपने यहाँ पर लेवल 14 में किसी भी कार्ड को अपग्रेड किया है कि नहीं। ओए हो, लेवल 14 का बंदा आ गया, क्या बात है यार। हॉग राइडर डालते हैं यहाँ पर ये। आए हाँ यार, ये थोड़ा प्रॉब्लम दे देगी यार फायर क्रैकर। चलो कोई ना, यहाँ पर वॉल्की अगर संभाल है तो ठीक है। भाई कुछ भी बोलो यार, स्टार लेवल में जो दिख रहे हैं ना कार्ड, ओहो फुल मजा आ रहा है खेलने में। पूरा गोल्डन गोल्डन सीन हो गया। इसके पास मिरर है क्या, मतलब इतनी जल्दी इसने कार्ड डाला, कुछ मेरे को समझा नहीं यहाँ पर। वैसे यहाँ पर मेरे को हॉग राइडर ना इस तरफ डालना था, बट चलो तभी कोई बात नहीं। टोर्नाडो अच्छा वन नहीं है, अदरवाइज हमारे भाई की लंका लग जाती है यहाँ पर। ट्राई करेंगे इन्फर्नो ड्रैगन डालने के लिए। मैं चाहता हूँ कि ये कनेक्ट ना हो मेरे टावर पे, प्लीज़ ब्रो प्लीज़ मत होना कनेक्ट यार प्लीज़। ओके बच गया, आई थिंक इसके पास जैप नहीं है, क्योंकि अगर होता तो अभी तक ये कब का डाल दिया होता। विजार्ड नो प्रॉब्लम, अगर मैं फायरबॉल डालता हूँ तो आई थिंक मेरे को अच्छा खासा एडवांटेज यहाँ पर मिल जाएगा, स्पेशली विजार्ड पे। बट फायरबॉल का उतना ज़रूरी नहीं था मेरे को लग रहा है, मैंने गलती कर दिया। चलो कोई ना, इसका जो हॉग राइडर है ना, ओहो भाई साहब जो डैमेज दे रहा है ना, कुछ ज़्यादा ही नहीं दे रहा क्या। वैसे यहाँ पर मैं हॉग अपना डाल सकता था, बट चलो तभी कोई नहीं। थोड़े यहाँ पर एक अच्छा खासा एलिक्सर बिल्डअप करेंगे, उसके बाद जाके अच्छे से पुश करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसके पास बैट्स है, यानी कि मेरा जो यहाँ पर इन्फर्नो ड्रैगन है ये बैट से काफ़ी इजीली लपेटे में ले सकता है, बट इसने ऑलरेडी बैट्स यूज़ कर चुका है। बट स्टिल देखते हैं क्या होता है। अगेन मेगा नाइट, ये मेगा नाइट को कुछ ज़्यादा वो करके यूज़ कर रहा है, लाइक कुछ ज़्यादा एलिक्सर इस पर डाल रहा है। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया मेगा नाइट, अब मेरे को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला। ओ भाई साहब, बिल्डिंग के प्लेसमेंट ओपी भाई यार, इस बंदे को 21 बिल्डिंग का सलामी यार, क्या प्लेसमेंट है भाई बिल्डिंग की। लेट्स सी क्या डालता है, बैट्स आजा मेरी जान आजा। जैप मेरा ऑलरेडी रेडी है। ओके विजार्ड डाला है, भाई कुछ भी बोलो यार, ये बंदा जो खेल रहा है ना उसको देख के मजा आ रहा है मेरे को। ओके, तो यहाँ पर इसका पहला टावर चला गया। ट्राई करेंगे विजार्ड को थोड़ा लपेटे में लेने के लिए, बिकॉज विजार्ड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है। अगेन ये भाई कुछ भी बोलो, अगेन मेरे को लग रहा है मिरर डालने वाला है, मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा चांसेस इस बंदे का मिरर अगेन आएगा हॉग राइडर पे। ओके, अब नहीं आएगा मिरर बिकॉज इसने ऑलरेडी विजार्ड डाल चुका है। अब मेरे को लग रहा है मैच का जीजी होने वाला है, जीतने वाले हैं। ओ बस एक और हिट मिल जाता तो जीजी भी हो जाता, बट चलो तब भी कोई ना। प्लीज़ 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 मेगा नाइट बच जा, ले बच गया भाई मेगा नाइट। अगर मैं मेगा नाइट डालूंगा देन मेरे को ही साइकिल करना पड़ेगा हॉग राइडर के लिए। ओके, साइकिल मैंने यहाँ पर कर लिया हॉग राइडर को, बस एक बार हॉग राइडर डालना है फायरबॉल के कॉम्बो के साथ, एंड जो पूरा मैच है ना बस अपने हाथ में है। एंड ये जीजी होने वाला है, गुड गेम, एंड यहाँ पर जीत चुके हैं ये वाला बैटल। कुछ भी बोला भाई, बैटल तो काफ़ी कमाल का था, इस बंदे का बिल्डिंग प्लेसमेंट ओपी वाला था यार। तो यहाँ पर अपने को कितने गोल्ड मिले देखते हैं। ओ 2550, कुछ ज़्यादा गोल्ड नहीं मिल गया क्या।
भाई सुपर सेल इतना मतलब खुश क्यों है यार, कुछ ज्यादा गोल्ड बांट रहा है मतलब। ओके तो यहाँ पर अपना भी ट्रॉफीज है 5488, काफी जल्द यहाँ पर अपना जो ट्रॉफीज है ना वो 6000 के आसपास हो जाएगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। तो बस पब्लिक आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।